फ्रेंड्स बात करने वाले हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है सेल भिलाई स्टील प्लांट ने आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, क्लियर है। अब यहां पर आप लोगों को डाउट क्या हो रहा है, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर, टेक्निकल कितना पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल कितना पूछा जाएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन हमारे एग्जाम पेपर में होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की पूछी जा रही है। यहां पर हम ऑल डाउट को क्लियर करेंगे, प्लस मैं पर्सनल आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सेल अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की किस प्रकार तैयारी करनी है, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, इससे पहले रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है राउरकेला अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स ने राउरकेला स्टील प्लांट का एग्जाम दिया है। तो यहां पर आप लोगों को फोकस क्या करना है, देखिए राउरकेला अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो एग्जाम पेपर है और भिलाई स्टील प्लांट के अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो एग्जाम पेपर है, दोनों के क्वेश्चन लेवल को यदि कंपेयर करें तो बहुत अंतर मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने राउरकेला अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पेपर दिया है, तो उसके अनुसार जो है भिलाई स्टील प्लांट की आपको तैयारी नहीं करना है। वहां पर थोड़े से देखिए राउरकेला स्टील प्लांट के पहले मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आएंगे, तो वहां पर एज इट इज क्वेश्चन पेपर हमारा रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू भिलाई स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर फायदा होगा। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए, यदि टोटल आपके एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पेपर में रहेंगे टोटल। अब यहां पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट की बात करें तो यहां पर जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 70 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे। मैं यहां पर जो आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर कर रहा हूं वो मैं क्लियर कर रहा हूं इससे पहले जो भिलाई स्टील प्लांट ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्जाम पेपर लिया था उसके अनुसार मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पर 70 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से रहेंगे, यानी कि आपकी यदि फिटर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है तो फिटर से रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन से रहेंगे, वेल्डर से किया है तो वेल्डर से रहेंगे, तो 70 क्वेश्चन। अब बात करें इन 70 क्वेश्चन की, क्या सर सेल डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन पूछता है, राइट है, लेकिन कहां राउरकेला स्टील प्लांट में ज्यादातर क्वेश्चन हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं। यदि भिलाई स्टील प्लांट की मैं बात करूं, पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर को मैं यदि फीडबैक लिया हूं उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहां पर आईटीआई लेवल के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आपका टेक्निकल बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप टेक्निकल पार्ट जो 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे 60 या 65 आप ला सकते हो, यदि अच्छी तैयारी आप लोगों की टेक्निकल ट्रेड थ्योरी की है उस कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट, यानी कि जो 30 क्वेश्चन होंगे वो किन किन से मिलकर बने होंगे, क्या क्या टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो वहां पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भिलाई स्टील प्लांट 10 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के पूछता है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी यदि 20 क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर मैथ रीजनिंग पूछता है, बाकी कुछ जनरल नॉलेज के भी आप लोगों के क्वेश्चन दे देता है, तो वो 20 जो है 20 क्वेश्चन है वो मिक्सअप दे देता है सभी के, मैथ रीजनिंग कुछ साइंस के भी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्लियर है, तो यहां पर ये फोकस रखिएगा। अभी यदि हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो यहां पर देखिए जो 100 क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए टोटल आपके पास जो समय होगा वो आपके पास 120 मिनट का समय होगा, तो 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन को हल करना है। अब यहां पर देखिए जो मैं यहां पर गाइड कर सकता हूं फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूं, तो वहां पर मैं आप लोगों को क्लियर कर सकता हूं कि क्या क्या टॉपिक है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार आप लोगों को तैयारी करनी है। बाकी यहां पर ऑल ट्रेड के स्टूडेंट्स को
मैंने एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी देखिए फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स में तो कुछ चैप्टर हमारे सिलेक्टेड है, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फोकस करना है, यहां पर हमारा ब्लाई स्टील प्लांट जो है वो क्या है, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन वो लोग डेफिनेटली पूछते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेटल हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है फिटर ट्रेड वालों को, वेल्डर ट्रेड वालों को, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। इससे पिछले वाला एग्जाम को आप देख सकते हो, वहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी हमारे टेक्निकल में कुछ नॉर्मल टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करना है, देन वहां पर आप लोगों का ये सारा कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आप लोगों की नहीं रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट का समय मिलेगा उनको हल करने के लिए, 70 क्वेश्चन टेक्निकल, 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, 30 में 10 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल इंग्लिश के रहेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आशा करता हूं आप लोगों की जो क्वेरी है उसके कुछ आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।